सब्सक्राइब करें सोहाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वैपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे हिमसागर एक्सप्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को ना पूरा देखें ओके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों हिमसागर एक्सप्रेस एक वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है जो भारतीय रेलवे इस ट्रेन को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक चलाता है। दोस्तों हिमसागर एक्सप्रेस भारत की तीसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। हिमसागर एक्सप्रेस 3,787 किलोमीटर की जर्नी को 72 घंटों में तय करती है, जिसकी एवरेज स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर तक होती है। दोस्तों हिमसागर एक्सप्रेस भारत के 13 राज्यों से गुजरती है, जिसमें 73 रेलवे स्टेशंस आते हैं। 13वां राज्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, जहाँ इस ट्रेन का कोई स्टॉप तो नहीं है, पर ट्रेन इस राज्य से गुजरती है मुकेरिया और पठानकोट के बीच में। दोस्तों इस ट्रेन की फर्स्ट सर्विस की बात करें तो ट्रेन 1980 में पहली बार शुरू हुई थी और इस ट्रेन को साउथर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। दोस्तों इस ट्रेन का नंबर 16317 अप, 16318 डाउन है। दोस्तों हर फ्राइडे को ये ट्रेन कन्याकुमारी से 2:05 पर छूटती है और मंडे को 2:03 पर ये ट्रेन कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। फिर हिमसागर एक्सप्रेस अपनी रिटर्न यात्रा मंडे को ही 9:55 पर शुरू करती है और गुरुवार को ये ट्रेन 9:30 पर कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। दोस्तों ये ट्रेन 13 राज्यों से गुजरती है, जो इस प्रकार है। पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना, 5वां महाराष्ट्र, 6वां मध्य प्रदेश, 7वां राजस्थान, 8वां उत्तर प्रदेश, 9वां दिल्ली, 10वां हरियाणा, 11वां हिमाचल प्रदेश, 12वां पंजाब, 13वां जम्मू कश्मीर। दोस्तों हिमसागर एक्सप्रेस का 10-15 मिनट का स्टॉप इन स्टेशन पर रहता है। न्यू दिल्ली, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, एर्नाकुलम, कोट्टायम, इरोड जंक्शन, भोपाल जंक्शन, नागपुर जंक्शन, इटारसी जंक्शन, झांसी, ग्वालियर जंक्शन, विजयवाड़ा और भी स्टेशंस हैं जिसके नाम मैंने लिया नहीं। दोस्तों इस ट्रेन की स्पीड की बात की जाए तो ये ट्रेन सबसे फास्टेस्ट स्पीड किला रायपुर के पास होती है, जो 108 किलोमीटर पर आवर तक रहती है इसकी स्पीड। वही इस ट्रेन की स्लोवेस्ट स्पीड की बात की जाए तो हजरत निजामुद्दीन से नई दिल्ली के बीच रहती है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और भोपाल हबीबगंज से भोपाल जंक्शन तक 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी रहती है, सबसे स्लोवेस्ट। दोस्तों इस ट्रेन को करीब 3 घंटे लगते हैं दिल्ली एरिया को क्लियर करने में। और इस ट्रेन के कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में 19 कोचेस हैं, एक सेकंड एसी का, 2 थर्ड एसी के, 10 स्लीपर क्लास के, 3 अनरिजर्व क्लास के, 2 लगेज रैक्स हैं और 1 पेंट्री कार है। ऐसे कुल मिला के 19 कोचेस रहते हैं इस ट्रेन में। इसके टिकट किराए की बात करें तो कन्याकुमारी से कटरा तक एसी 3 टायर का किराया 2460 होता है, स्लीपर क्लास का किराया 985 होता है और जनरल क्लास का किराया 589 होता है। दोस्तों अपडेटेड किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब इसके हॉल्ट्स एंड स्टॉप्स को जानते हैं कि कौन से स्टेशन पर कितने बजे ट्रेन पहुँचती है ओके। तो पहले दिन से जानते हैं इस ट्रेन की स्टॉपेज।
lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f*** likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh*** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में, और आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।